हेलो दोस्तों, डीआर स्टडी पॉइंट के क्विकर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स के सेशन 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी टाइम एंड वर्क का सीरीज को लेकर चल रहे हैं और हम लोगों ने चार पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूं मैं, और ये पांचवा पार्ट है हम लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन चारों पार्ट को पहले देख रखा होगा, तब आप इस पांचवें पार्ट पे आए हुए, क्योंकि सारे सवाल जो है वो डे टू डे जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। इंटरकनेक्टेड करने का सेंस कि जो चीजें मैंने उनका बेसिक्स और ट्रिक दोनों बता रखा है वहां पे, उसे मैं फिर आगे ट्रिक सही करूंगा या फिर मैं उसे बेस्ट अप्रोच सही करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए उन चारों पार्ट्स को देखना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, ठीक है। अभी तक में हम लोगों ने इन चार पार्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइप को देखा था, जिसमें लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, इस टाइप का कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था, ठीक है। अब का हमारा जो सवाल होगा वो कम्प्लीटली इफिशियंसी बेस्ड होगा। इफिशियंसी बेस्ड मतलब MDH फॉर्मूला, कुछ 12 लोग, 10 लोग, 12 आदमी, 18 वुमेन, इस टाइप का सवाल। ये सारा सवाल जो होता है इफिशियंसी बेस्ड होता है, इसमें मेन रोल जो होता है वो इफिशियंसी की होती है, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप के सवालों को जो है अभी हम लोग डील करें। चलो बिना देरी किए हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और पहला सवाल हमारा क्या है ये देखिए। हालांकि पहला सवाल जो है वो हमारा नॉमिनल सा है, अब इसको देखते हैं इस सवाल में क्या है हमारा। ए वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन एक्स डेज, ठीक है। ए अकेले अगर काम कर रहा है तो टास्क कितने दिनों में कंप्लीट करता है, एक्स दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब वहां पे क्या बोला, ए वर्क अलोन फॉर 6 whole 1/2 डेज, दैट इज 13/2 डेज, ठीक है, एंड देन वॉज रिप्लेस्ड बाई बी एंड सी, बी और सी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। वर्किंग टूगेदर Completed the remaining task in 3 days, साथ में काम करते हुए उस बचे हुए काम को कितना दिनों में कंप्लीट किया, 3 दिन में किया, ठीक है। Working alone, B and C takes 0.5x days and 8 days respectively. अच्छा, इसे मैं x by 2 भी बोलूंगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तुम थोड़ा सा देख लो, A का x है अकेले करने में, B को x by 2 days और C को 8 days लगता है। तुरंत में यहाँ पे एलसीएम लिखो, मैंने क्या बोला था, नमरेटर ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, एक्स और एट का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8x, ठीक है। एक्स से काटोगे 8 बार में, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 2 से डिवाइड दोगे तो 16, और 8 से काटोगे तो एक्स बार। अब इक्वेट कर दो जस्ट, ठीक है। ए ने कितना दिनों तक काम किया, 6 whole 1/2 डेज, यानी कि 13/2 डेज तक। इसके बाद कौन काम कर रहा है, बी और सी कर रहा है, तो बी और सी का लिख देते हैं 16 प्लस एक्स, कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया, और इस तरीके से मेरा कितना काम हो गया, एक्स काम हो गया, 16 × 3 = 48, 2 से काट दो 4 बार में, 13 × 4 = 52, 48 और 52 देखोगे तो वो तुम्हारा 100 हो जाएगा, और 3x इधर जाके घट जाएगा तो क्या हो गया तुम्हारा 5x, 5 से कट गया कितना बार में, 20 बार में, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। यही तुमसे सवाल में निकालने के लिए बोला था, x की वैल्यू कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स एक्स देख के ज्यादा घबराने का जरूरत है, देखो ये कितना ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है हमारा। अब देखो यहां से हमारा मेन जो है इफिशियंसी बेस्ड सवाल जो है वो शुरू होता है, ठीक है। इफिशियंसी बेस्ड सवाल मतलब कैसा सवाल, अब देखो यहां अर्णव इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु, ठीक है। अर्णव जो है वो भानु से ट्वाइस एज फास्ट है, ट्वाइस मतलब क्या, ज्यादा तेज है, ठीक है, दुगना ज्यादा तेज है। तो दुगना ज्यादा तेज है तो ये लिटरली एक तरीके से क्या बता रहा है, उसकी क्षमता को बता रहा है कि अगर भानु की क्षमता 1 है तो अर्णव की क्षमता कितनी होगी। तो भानु इज 1/3 एज फास्ट एज चंदू, भानु जो है चंदू से एक तिहाई तेज, ठीक है। तो अगर चंदू का मैं 3 बोल देता हूं, जो रहे ना डिनोमिनेटर है वही मानना है, ठीक है, और जिसके साथ रहे एज फास्ट एज चंदू तो उसी के लिए लगा देना है, ठीक है। और 1/3 बोला तो 3 का 1/3 कितना होता है, 1, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सारा चीज बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। मैंने पहले सेशन में ही बता रखा था कि एक चीज पूरे टाइम एंड वर्क में ध्यान में रखना कि इफिशियंसी इंटू टाइम जब हम लोग करते हैं तो ये हमें देता है टोटल वर्क, ठीक है। और खास करके मैं यहाँ पे फिर से इसे बता रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इफिशियंसी वाले सवाल में इसकी सबसे ज्यादा भूमिका है, ठीक है। तीनों मिल के जो है कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो तीनों की इफिशियंसी लगेगी, काम हमेशा सबका एक होता है, ठीक है।
दो एक तीन और तीन कितना नौ, ठीक है। तो नौ की इफिशियंसी से उन लोगों ने 30 दिन तक किया, इफिशियंसी इनटू टाइम कर दिया हम लोगों ने, क्या निकल गया हमारा टोटल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है सवाल में, इन हाउ मेनी डेज अर्नब भानु एंड चंदू कैन डू द वर्क रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब यही काम को अगर अकेले अकेले सब करेंगे, अर्नब भी करेगा, भानु भी करेंगे और चंदू भी करेगा, तो कितना दिन लगेगा ये। अच्छा ये देखो हमारा है टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क में अगर हम लोग इफिशियंसी से डिवाइड दे दें तो ये क्या निकल के आ जाएगा टाइम। अब देखो टोटल वर्क जो है वो सबके लिए एक होना है, मैंने बताया था ना दीवार बनाना है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, लास्ट सेशन में मैंने बताया था कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो दोनों का काम जो है वो एक होने वाला है, ठीक है। काम हमेशा एक ही होता है कि इसे भी वो काम करना है, इसे भी वही काम करना है, इसे भी वही काम करना है, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी अलग अलग होता है। अगर टाइम हमारा ए का है तो इफिशियंसी भी ए का जाएगा, टाइम हमारा अगर बी का है तो इफिशियंसी भी बी का जाएगा, टाइम हमारा अगर ए बी सी का चाहिए तो इफिशियंसी भी किसका जाएगा, ए बी सी का जाएगा। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो टोटल वर्क है, अगर हम इसमें ए की इफिशियंसी से डिवाइड दे देते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाएगा उसका समय। ए की इफिशियंसी कितनी है, दो है, दो से डिवाइड देंगे, अगर दो से डिवाइड देते हैं तो दो से ये कट जाएगा कितना बार में, सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया, 2 1 3 होगा, 3 एंड 3 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये 9 नहीं होगा यहाँ पे, ये 6 होगा, इसे थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 6 होगा, 2 से काट दो यहाँ पे तुम 3 बार में, 3 × 30 कितना हो गया, 90 days, यानी ए अकेले करता तो 90 दिन। बी का देख लो, डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करोगे, 1 से, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, 180। 3 से डिवाइड करोगे 10 बार में, कितना हो गया, 6 days डिवाइड करना है, हो गया 90, 180 और 60, कौन सा ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, खत्म, यहीं पे इतना ही था, ठीक है। मेन रोल जो है पूरे टाइम एंड वर्क में इसका है, ठीक है। फिर मैं वेजेस पे जाऊंगा तो इसी से रिलेट करके वेजेस को भी समझा दूंगा, बस इतना ध्यान में रखना सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल। राधे डज 70% ऑफ सम वर्क इन 15 days, ठीक है। राधे जो है किसी काम को का 70% 15 दिनों में करते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था 5/6 ऑफ द वर्क इन इतना दे, ठीक है, तीसरे वाले पार्ट में शायद मैंने बताया था, और मैंने बोला था इसे समझ लो अच्छे से। अगर तुम इस 70% को देखोगे तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 7/10, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब 7/10 का मीना करता है 15 दिन में। मैंने क्या बोला था, ऊपर से ऊपर काट दो, लेकिन यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो जैसे हो रहा है वैसे कर दो, 15 × 10 कर दोगे तो कितना, 150/7, मतलब पूरा काम जो है वो कितना दिन में करता है, 150/7, 10 × 15 और बटे में क्या, साथ। इस चीज को मैंने अच्छे से बता रखा है, और यही इसी चीज के लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि वीडियो देख लो, ताकि तुम्हें ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर समझ में आ जाए, ठीक है। पूरा टाइम एंड वर्क को शुरू से लेकर अंत तक जितने भी टाइप होते हैं, हम लोग टाइप बी में आ गए हैं, ठीक है, जितने भी टाइप होते हैं वो सारे टाइप को मैं करा दूंगा, करीबन 10 से 12 वीडियो लेके आऊंगा, सारा टाइम एंड वर्क का टेंशन जो है खत्म हो जाए, बस सीरीज वाइज सारा को देखते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखो क्या है, आगे क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है लेटर सैम हेल्प्स, लेटर विद सैम्स हेल्प, सैम के हेल्प के साथ, मतलब राधे छोड़ा नहीं, आगे जो कर रहा है सैम और राधे दोनों कर रहा है। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 days, ठीक है। अब ये सी किसके लिए आया मेरे को नहीं पता, राधे हो सकता है, फीमेल का नाम हो, ठीक है, तो यहाँ पे उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, अब यहाँ पे राधे और श्याम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को कितना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 30% काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं 30% को क्या 3/10 लिख सकता हूँ, और उन 3/10 काम को उन लोगों ने कितना दिन में किया, 4 दिन में किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं इसे 40/3 लिखूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं टोटल वर्क की ओर। ये 40/3 क्या हो गया, राधे और श्याम मिल के उस पूरे काम को अगर अकेले करते तो 40/3 दिन लगता, और ये राधे अकेले करता तो 150/7 दिन लगता, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 600, 150 से कटेगा 4 बार में, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28, 40 से कटेगा 15 बार में, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45, इतना ही ना। राधे और श्याम मिला के 45 और राधे 28, तो श्याम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 45 माइनस में 28, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 17 दे देगा हमारा,
ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज श्याम अलोन कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क। ठीक है, श्याम अलोन पूरे काम को कितने देर में खत्म करता है आपको ये बताना है। तो श्याम का समय बताना है ना, तो समय बराबर में काम तो वही है ना भैया, 600 बटे में श्याम का एफिशिएंसी कितना, 17। हाँ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए कि इसे काटू मैं कैसे, ठीक है, तो इसे काटने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, 17 इज लिटरली अ प्राइम नंबर, उसे कुछ नहीं करा जा सकता, इसे काट ही सकते। तो 17 से 3 बार में काट लो, 17 से 3 बार में कटेगा तो 17 3 जा कितना हो जाएगा, 51। 51 जैसे ही हो गया हमारा तो कितना बच गया, 9 बच गया रिमाइंडर, 90। ठीक है, 17 5 जा कितना होता है, 85 से मिलता जुलता। अब इन सब टाइप के सवाल में एक चीज ध्यान में रखना, इसमें नन ऑफ दीज कभी नहीं होता। अब शायद ही अगर किस्मत खराब है तो नन ऑफ दीज होता है, और प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं होता है नन ऑफ दीज, कभी नहीं होता है, इतना डेसिमल ले जाने के बाद नन ऑफ दीज नहीं होता है। ऐसे सॉल्व भी कर लोगे तो 33.3 आ जाएगा, और यही ऑप्शन नंबर सी है, 35.3। ठीक है, ये 35 समथिंग आएगा, 29 आएगा, जैसे हम 35.3 लेंगे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, इस टाइप का सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हम लोग का, देखो अगला सवाल आगे देखो ये क्या है, इफ अ फादर और हिज टू डॉटर और हिज थ्री किड कैन फिनिश अ वर्क इन 88 डेज। ठीक है, अब यहां से तुम समझो, मैं तुम्हें यहां से एक फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, जब भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल में हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, दैट इज M1D1H1 बटे में वर्क 1 इज इक्वल टू M2D2H2 और बटे में वर्क 2। दो ग्रुप या टुकड़ा टुकड़ा में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ M4 क्या है, M4 मैन होता है, D4 डेज होता है, H4 आवर्स होता है, ठीक है, और W4 वर्क होता है। ठीक है, मैन आदमी दिन घंटा ये सारी चीजें जो है वो कहाँ रहेंगी, ऊपर रहेंगी, और काम जो है वो नीचे रहेगा। काम बहुत तरीके से रह सकता है, बोलेगा दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, कभी बोल देगा कि गड्ढा खोदना है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे देगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीपल जो होगा, यानी कि दैट इज वॉल्यूम, वो हमारा कैची में जाएगा, वर्क में जाएगा। ठीक है, आदमी दिन और घंटा ये सारा चीज जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, रेस्ट ऑफ द चीज जाएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है तुम्हें। ठीक है, कब ये काम आएगा, जब भी दो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होंगे तो। ठीक है, एक्चुअली देखो ये क्या है तुम्हारा, कि तुम्हारा आदमी मैन, यानी कि दैट इज इफिशियंसी ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज फंडा समझो, ये क्या है, दिस इज डे, डे इंटू आवर कर दोगे तो वो टाइम एक ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी इंटू टाइम करते हैं तो हमारा क्या देता है, टोटल वर्क देता है। ये डब्ल्यू वन को इधर अभी भूल जाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट को अभी भूल जाओ, बराबर में मैं डब्ल्यू वन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ M1, D1 और H1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे कुछ W1 देता है। अगर मैं इस W1 को उठा के नीचे ले आऊं तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली 1। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी तो 1 तो 1 के बराबर ही होता है ना, इसलिए ये दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम लोगों को क्या करना होता है, एडजस्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए फादर और हिज टू डॉटर और हिज थ्री किड कैन फिनिश अ वर्क इन 88। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से सबसे बड़ा चीज जो है तुम ये समझो कि अगर एक पिता या फिर उनकी दो बेटी या फिर उनके तीन कोई और बच्चों को हम काम पे लगाते हैं तो तीनों समान समय पे पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पिता की अकेले की इफिशियंसी जो है, करने की जो क्षमता है, वो उन दोनों बेटियों के बराबर है, उन तीनों बच्चों के बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम ऐसा इंडिकेट करें कि एक फादर की इफिशियंसी F है, एक डॉटर की इफिशियंसी डी है, तो टू डॉटर की डिफिशियंसी क्या होगी, 2D। अब ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि दोनों की अलग अलग हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा बोला है तो वो दोनों की इफिशियंसी क्या होती है, सेम होती है, टाइम एंड वर्क में तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, तीन किड्स बोला है, चिल्ड्रन बोल देते हैं, तीनों चिल्ड्रन की इफिशियंसी क्या होगी, बराबर। अब अगर रेशियो तुमने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे समझ लो, मैं रेशियो का भी सेशन लेके आऊंगा तो उसमें तुम समझ लेना वहां पे क्यों होती है। मैं डायरेक्ट यहाँ से एफ डी और सी का रेशियो निकाल सकता हूँ। देखो एफ के पहले यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, एफ के पहले क्या छुपा हुआ है, 1। तो सिंपल सा एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मुझे एफ के नीचे का लिखना है तो 1 को छोड़ के जो दो नंबर दिख रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 रेशियो। सिमिलरली डी के लिए मुझे लिखना है तो डी के पहले जो नंबर है उसको छोड़ दो, यानी कि 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3। सी के लिए लिखना है तो सी के पीछे का नंबर छोड़ दो, 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया इसकी एफिशिएंसी।
ठीक है, एफिशिएंसी हो गया ना। अब ये तीनों में से किसी एक बंदे ने भी, अगर ये तीनों ग्रुप में से कोई एक बंदा भी अगर काम करता, कोई एक ग्रुप, सॉरी बंदा नहीं, कोई एक ग्रुप भी काम कर रहा होता, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता? 88 डेज में। किसी को भी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो निकला एक का, निकला एक डॉटर का, एक चिल्ड्रन का, ठीक है। मैं एक फादर से लेकर चलता हूँ, किसी से भी ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फादर है तो एक गुने छः, ये इफिशियंसी है, इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। देखो एम इंटू डे, कहीं कहीं पे हो सकता है एच ना दिया हुआ है, ठीक है, एम इंटू डी ही रहेगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, देन हाउ मेनी डेज विल अ मैन, अ डॉटर, अ किड टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। एक आदमी, एक डॉटर और एक किड कितना समय लेगा इसी काम को करने में, ठीक है। एक आदमी ही ना, एक आदमी एक डॉटर, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना, छः, एक डॉटर का एफिशिएंसी 3 और एक किड का एफिशिएंसी 2। कितना दिन लेगा नहीं मालूम, एक्स दिन, कौन सा काम करेगा, यही काम ना। ये देखो 11 जोड़ के देगा, यहाँ पे 8 बार में 8 6 48 हो गया एक्स बराबर में कितना, ऑप्शन नंबर डी 48 डेज, दैट्स इट। यहाँ पे भी हम लोगों ने वही लगाया, देखो ग्रुप ऑफ पीपल एंड डेज, ठीक है, यहाँ जस्ट आवर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आवर नहीं हो, कभी कहीं आवर ही होगा, डे नहीं होगा, कहीं कहीं पे वर्क गायब रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों कोई जो है सिमिलर वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम काम को, ठीक है, तो इसलिए वर्क यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, दोनों जगह वर्क जो है एक ही रहेगा, सेम वर्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो, इधर 6 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट अ वॉल इन 13 डेज। फिर सेम सवाल, या तो 6 आदमी या फिर 17 वुमेन अगर काम करती हैं तो कितना दिन में पेंट कर देती हैं, 33 डेज में। देखो इसका डाटा को ना मैं खेलना सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, लोग ना मल्टीप्लाई करके फंस जाते हैं अपने ही जाल में, और मैं बताता हूँ तुम्हें कि कैसे एग्जाम में क्या करना होता है, ठीक है। 6 आदमी भी लगाया या 17 वुमेन लगाए, दोनों मिलके 33 दिन में किया, तो ये पता चल गया कि 6 आदमियों का जो क्षमता है वो 17 वुमेन के क्षमता के बराबर। अगर एक आदमी का क्षमता m तो 6 आदमी का कितना 6m, एक वुमेन का क्षमता w 17, m बटे w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 बटे कितना 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कैसे, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच वॉल। देखो यहाँ काम आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार पेंट करने में इन्हें 33 दिन लगता, ठीक है, एक दीवार, ध्यान समझ, एक दीवार पेंट करने में 33 दिन लगता था, तो ऐसा ऐसा 3 दीवार जब पेंट करेंगे, कौन पेंट करेंगे, 12 आदमी और 32 वुमेन, ठीक है, एट सेम रेट, वही रेट पे, कौन सा रेट, इसी रेट पे, तो कितना दिन लगेगा मुझे ये बताना है, ठीक है। तो अब यहां पे तुम देखो क्या करेंगे, हमें मालूम है फर्स्ट ग्रुप के पास 6 मैन है और ये कितना दिन में करता है, 33 डेज में, और कितना दीवार पेंट करता है, एक दीवार, ठीक है, 17 वुमेन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बराबर है। हमको करवाना किससे है, 12 आदमी और 32 वुमेन से करवाना है, ठीक है। कितना दिन ये लेंगी नहीं मालूम, यही निकालना है, एक्स मान लिया। कितना दीवार पेंट करना है, कितना वर्क है इनके पास, 3 सच वॉल्स, 3 कर दिया, कभी कभी यही रहेगा 3 टाइम्स वर्क, ये बहुत सारे लैंग्वेज में रह सकता है, वर्क से समझना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो मेन चैलेंज यहाँ पे शुरू होता है कि अब इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है, मेन चैलेंज जो है वो यहाँ पे शुरू होता है कि अब इसे सॉल्व कैसे करें। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे सॉल्व होगा, आसानी से तुम चुटकी बजाते हो, ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक एम का वैल्यू कितना है, 17 है, तो गुने में मैं लिख देता हूँ यहाँ 17 गुने में 33, ये 3 चला गया ऊपर, नीचे ले आते हैं 12, m की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुने कितना 17, प्लस में 32 की वैल्यू कितनी, w की वैल्यू कितनी है 6, और बराबर में अभी से सॉल्व कर देख लो, चक्कर आना लाजमी है ये, और अभी लॉकडाउन में अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिख दूं तो चक्कर ना आए, इतना ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर मैं इसे आसान ना करूं तब भी तुम्हें मुझे बता रहा हूं, ठीक है। अब तुम देखो यहां से, अगर मैं 3 से काटूं तो 3 से 6 दो बार में और 3 से 4 ये कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अभी देखो और कटेगा, 2 से मैं इसे काट दूं 2 बार में, और 2 से मैं इसे काट दूं 16 बार, ठीक है, और 2 से इसे मैं काट दूं 3 बार, हो गया खत्म। अच्छा नीचे देखो तो जरा सा बच क्या रहा है, 17 गुने 2 34 और 16 गुने 2 32,
अगर मैं बोलूं 34 और 32 कितना होगा तो तुम मजे में बोल सकते हो 66, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे कुछ बताने की जरूरत है तो मुझे बताओ तुम, ठीक है। 33 से अगर मैं पूरा नीचे वाला को काट दूं तो नीचे मुझे 2 मिल जाएगा, सब खत्म, ठीक है। नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, मिल गया ना नीचे 2, ये सारा चीज खत्म हो गया, ठीक है। फाइनली मेरे पास बचा क्या, 17 to 3 51 51 by 2 हो गया। अब इसके बाद भी अगर मैं कुछ बोलूं तो बताओ मुझे 25 पॉइंट में कितना, 5। देख लो कितना बड़ा इक्वेशन था जिसमें अभी चक्कर आ रहे थे, ठीक है। वो चीजें जो है तुम कर सकते हो। तो एग्जाम में होता क्या है ना कि हम लोग धड़ाधड़ 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 मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई करना, जो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो एकदम लास्ट में जाके होना है, ठीक है, एकदम लास्ट में। ये चीज को ध्यान में रखना। चलो अगले सेशन, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो क्या, देखो अगला सवाल एक और। 4 men working 4 hours per day, सब है इसमें, ठीक है, 4 days। तो मैंने क्या बोला, मैन तो 4 men, डे तो 4 day, 4 hour तो 4 hour, डे को छोड़ दो, ऐसे डे लिखना नहीं है, ठीक है। कंप्लीट 4 units of work, कितना वर्क करते हैं, 4 units करते हैं, ठीक है। देन इन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क, कितना यूनिट ऑफ वर्क, देख लो दूसरे ग्रुप का क्या निकालना है, मुझे वर्क ही निकालना है, ठीक है। बाई कितने लोगों के द्वारा, 2 men 2 hours 2 days। अब बोलो कि सर आपने अभी बोला डी काट दो, तो आप तो एम को ही बोल सकते थे काट देने के लिए, ठीक है। तो वो एम को ना अभी समझो कि एम को रहने दो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन तब होगा ना तुम्हें अगर एम को अभी से काटने लग जाओगे तो, जब तुम्हारा मैन और वोमेन के बारे में चर्चा की जाएगी। तुम्हारा आदत तो ऐसा ही रहेगा कि सर ने 2 ग्रुप बताया है, ठीक है, इसलिए अभी एम को रहने दो। एम को ऐसे समझना है कि एक आदमी का एफिशिएंसी एम है तो 4 आदमी का एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, बस ऐसे तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखो। चलो काटना शुरू करो। देर किस बात का, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 m से कट गया 2 बार में, 2 से 2 बार में, हो गया। x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो x इधर, 2 इधर, 2 हो गया x की वैल्यू, ठीक है, दैट्स इट। एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, सॉरी अभी और कटेगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब कभी कभी तुम्हें वर्क दे देगा, कभी कभी आबार, जितनी भी 6 चीजें मैंने बताई हैं, अगर मैंने तुम्हें कौन सा फॉर्मूला बताया, ये वाला m1 d1 h1 / m1 work 1, ठीक है, m2 d2 h2 / m1 work 2, 3 × 3 = 6 = 8। इन 8 चीजों का अगर जिक्र हुआ है तो 8 चीज में कोई 7 चीज दे देगा और 8वां चीज पूछ देगा, और इतना आसान है, समझ में आ रही है बात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अगला सवाल, 12 men and 15 women कैन फिनिश अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है तुम्हें समझने की जरूरत है कि इस टाइप के सवालों को हम लोग करते क्या है, ठीक है। देखो सेशन जो हम लोग लेके आ रहे हैं ना, उन पूरे सेशन में कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, कुछ थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, तो ये सारा देखना तुम्हारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल हो जा सकता है तुम्हारे लिए, अगर तुमने स्किप कर करके कर रहे हो तो बढ़िया सवाल तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। तो स्किप नहीं करो, चलाओ और देखते जाओ, अभी बहुत समय है तुम्हारे पास सीखने का, और मुझे तो यही लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ तो नया चीज आपको जरूर बता, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो कमेंट भी करते रहना है कि हाँ सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और लाइक वाइक तो करना ही है, शेयर करना ही है, अपने दोस्तों को बताना ही है कि चलो सेशन फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। और एंजॉय करते रहना है, वीडियो देखते रहना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, और घर में ही बने रहना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। चलो लॉकडाउन का समय है, देखो क्या है, 12 men, ठीक है, 15 women, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन। एक और तरीका होता है जब 2 तरह के ग्रुप्स जो आते हैं काम करने के लिए उसे सॉल्व करने का, ठीक है। वो तरीका क्या है, 12 men और 15 women मान लिया मैंने 10 दिन में वो काम करते हैं, ठीक है, कितने दिनों में, 10 दिन। 21 women 24 children, देखो चिल्ड्रेन 3 तरह के लोग हैं, ठीक है, 15 दिन में करते हैं। तुम्हें ये तो याद होगा ना टोटल वर्क लेने वाला तरीका, एलसीएम हालांकि 30 होता है, मैं फिर 60 ले रहा हूँ, ठीक है, काटने में थोड़ी सहूलियत होगी, 6 बार में 15 से 4 बार में, तुम 30 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं अंतर आएगा, ठीक है। अच्छा ये 6 जो इफिशियंसी आया है ये किसका आया है, 12 आदमी और 15 वुमेन,
सिमिलरली 21 वुमेन और 24 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि एक मैन 3 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन टुगेदर फिनिश द सेम वर्क विद एट देयर डबल एफिशिएंसी। डबल एफिशिएंसी भैया, सिंगल एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा तो दो गुना करने में मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो मैं दो गुना कर दूंगा, मुझे तो सवाल बनाना है सिर्फ। ठीक है, तो मुझे निकालना है एक मैन 3 वुमेन और 2 चिल्ड्रन की इफिशियंसी को। ठीक है, अब देखो दो ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो सॉल्व भी नहीं हो सकता है। ऐसा ये मान्यता होती है कि 2 वेरिएबल से 3 इक्वेशन वाला सवाल सॉल्व भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए उसे सॉल्व। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और उन्हीं एक्सेप्शंस में ये जाना जाता है, तुम्हें उन दोनों को घर जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके कुछ करके तुम्हारा आंसर आ सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कांट भी डिटरमाइंड है, तो ये चीज तुम ध्यान में रखना कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, हमारा 12 मैन 15 वुमेन हो गई ना हमारी। ठीक है, तो अभी तुमने बोला कि ये 12 मैन और 15 वुमेन की इफिशियंसी हो गई भैया 6। अगर मैं इनमें से 3 को काट दूं, 3 से 4, 3 से 5 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 2 बार में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार, 21 वुमेन है, 24 चिल्ड्रन है और ये 4। मैं फिर से 3 से काटता हूँ, 3 से 7, 3 से 8 और ये 3 से कटेगा नहीं, तो इसमें 3 डाल दो। कोई दिक्कत यहाँ तक में, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो कि अगर मैं बोलूँ इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मैन 7 वुमेन 5 वुमेन, 7 5 12 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 वुमेन प्लस में 8 चिल्ड्रन। ठीक है, इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करोगे ना, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 बाई 3 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ सब जगह से 4 कॉमन ले लो, देखो तो एक मैन 3 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रन आ गया क्या 10 बाई 3, देखो तो जरा सा आ गया। मुझे क्या जानना है, ये तो अगर मैं 4 को उठा के इधर ले आऊंगा तो मैं तो इसको बता सकता हूँ ना, ये वाले पार्ट को 4 उठा के ले आऊं तो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं, मुझे इनके इफिशियंसी का डबल चाहिए, तो मुझे 2 यहाँ रखना है और 2 को लाना है। ठीक है, तो मैं इसे अगर यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हो रहा है, 2 रहने दूं वहां पे, तो सिर्फ 2 ही को उठा के लेके आऊं, तो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रन की इफिशियंसी शायद 10 बाई 3 गुने 2 यानी कि 6 हो जाएगी, सिर्फ मैं 2 को ला रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो मेन इफिशियंसी चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे क्या जानना है, अब समय जानना है ना, तो समय क्या हो गया, 60 बाई में 10 और ऊपर में 6, 0 0 खत्म, आंसर हो गया 36 दिन। समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है, आंसर कितना हो गया हमारा, 36 दिन हो गया। तो इस टाइप का बेसिकली जितना भी सवाल होता है हम लोग इसी तरीके से करते हैं। हाँ, इसमें जजमेंट कैसे होती, इस सवाल में ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं इसे 15W, और मैं भी बना के दिखाऊंगा ऐसे ही। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम ऐसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं, ये इक्वेशन लिख के करते हैं। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन लिख के करते हैं, तो इस टाइप का इक्वेशन लिख के हम लोग कब करेंगे, तो ये हम लोग का जब सवाल आएगा तो पता चलेगा। लेकिन बेसिकली आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हमारा 3 अलग अलग तरह का चीज दिए हुए हो, 3 अलग अलग तरह के बारे में बताया हो, जैसे मैन वुमेन और चिल्ड्रन, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, और इसके बाद मुझे 2 ही इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हम लोग इसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे। ये वाला अप्रोच जो है हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब 3 आदमी है, 3 अलग अलग इक्वेशन या 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं बताऊंगा आगे के सेशन में कि वहां पे कब हम लोग कैसे इसका जजमेंट करेंगे। ठीक है, ये हैशटैग 36 नंबर भी हम लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग को जब जरूरत पड़ेगा उस टाइप का जज करने का, जैसा हम लोग 17 नंबर में याद करा था, ये हैशटैग 36 भी हम लोग याद रखेंगे कि जहां हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको ऐसे देखना है। ठीक है, मैं उस सवाल में कोशिश करूंगा कि इस पेज को जो है वहां पर अटैच कर दूं आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। 36 सवाल टाइम एंड वर्क के हो गए हैं, देखता हूँ कहाँ तक ले जा सकता हूँ, जहां तक में सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा वहां तक मैं फिर हम लोग
नहीं उठेगा ये, मैं बाउंडेशन नहीं डालूंगा क्या 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, यहाँ तक देख लिया तो लाइक दबा के चले जाओ और शेयर भी कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।